हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेनी स्टॉक जेपी पावर के बारे में, जयप्रकाश पावर वेंचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसका फ्यूचर कैसे हो सकता है। इस शेयर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग और जानेंगे कि वेदर इट कैन बी मल्टीबैगर इन द फ्यूचर। फ्रेंड्स, जेपी पावर करती क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो है हाइड्रो एंड थर्मल पावर का पावर प्रोडक्ट जनरेशन का काम करती है। हाइड्रो मतलब पानी से, मतलब जो डैम होते हैं उसके ऊपर, और थर्मल मतलब कोयला जलाकर जो पावर जनरेट होती है उसको थर्मल पावर बोलते हैं। और हाइड्रो मतलब पानी से, मतलब जो डैम वगैरह में धरण जो होते हैं, जो बांधे जाते हैं उनके ऊपर जो होता है, उसके भी इनके खुद के वेंचर्स है, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स है। उसके अलावा ये कंपनी कोल माइनिंग भी करती है एंड पावर का ट्रांसमिशन का भी काम करती है। तो ओवरऑल इनके पास फोर फाइव एवेन्यूज़ है प्रॉफिट जनरेशन के एंड रेवेन्यू जनरेशन के। इसका अगर हम लोग देखेंगे कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो कैसे है, तो फ्रेंड्स देखिए, इसका पी है 20 का, जो कि काफ़ी अच्छे पी पे मिल रहा है अभी। EPS है 0.50 का, EPS पॉजिटिव है, जो कि रेट है सिर्फ 6.85 रुपीज़, वो हिसाब से बहुत ही अच्छे प्राइस में अभी ये शेयर मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.50। कंपनी ने डेट लगातार घटाया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस कंपनी के शेयर का बुक वैल्यू है 15 रुपीज़, हमें मिल रहा है सिर्फ 6.85 रुपीज़ में। इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है 7.50 रुपीज़, हमें मिल रहा है लेस देन 7 रुपीज़ में। ग्राहम नंबर है 13 रुपीज़, उससे तो हाफ प्राइस में शेयर अभी हमें मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग है 26%, FII की होल्डिंग है 1% एंड DII की होल्डिंग है 23%, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है सब एंगल से। अब सवाल ये आता है कि इसका फ्यूचर कैसे हो सकता है। इसने अपना, अगर हम लोग इसके डेट की बात करें, मतलब लोन की बात करें, 4 क्वार्टर्स पहले इसका लोन था 23,000 करोड़, 3 क्वार्टर्स पहले इसका लोन हो गया 5,991 करोड़, 2 क्वार्टर्स पहले इसका लोन था 5,196 करोड़, एंड अभी लास्ट क्वार्टर में इसका लोन था 5,171 करोड़। तो कंपनी लगातार अपना डेट या लोन घटा रही है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात निकल कर आती है जेपी पावर के बारे में, जो कि इसका मतलब कि फ्यूचर में कंपनी का जैसे जैसे डेट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, इस शेयर में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मार्केट जब गिरा था तो यह शेयर 6.70 रुपीज़ तक गया था और वहाँ से इसने फिर से बाउंस बैक किया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट 6.85 रुपीज़ पे अभी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा, इसमें 7.30 रुपीज़ तक गया था, फिर से इसमें करेक्शन आया है। पर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई पेनी स्टॉक बाय करना चाहते हैं, थोड़े बहुत पेनी स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हो, तो जेपी पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर। क्योंकि देखिए, ये जो पावर सेक्टर में काम करती है, इनके खुल के कोल माइन से आप जानते हैं कोल के रेट काफ़ी बड़े हैं, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलने वाला है। और फ्राइडे को इसमें काफ़ी लार्ज डील्स देखने को मिली, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। बिकॉज ये मार्केट चलेगा तो ये शेयर भी अपर सर्किट में चलना शुरू हो जाएगा और हो सकता है आने वाले दिनों में ये शेयर हमें 12 रुपीज़ से 15 रुपीज़ के लेवल पर दिखा दे, जो कि आज के लेवल से करीब करीब डबल तक हमारा पैसा कर सकते हैं आने वाले 6 मंथ्स से 12 मंथ्स के पीरियड में। मतलब डबल भी हो गया हमारा पैसा तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक साल में भी अगर हो गया तो, और 6 महीने में होने की भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट में भी जो गिरावट है, सुस्ती है, उसके अभी इफेक्ट जेपी पावर पे हमें देखने को मिल रहा है। इसका देखिए, दिसंबर क्वार्टर भी बहुत शानदार आया था, 107 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। अभी मार्च क्वार्टर इसका कैसे आता है उसके ऊपर भी इसकी मूवमेंट डिपेंड करेगी, बट होपफुली अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर का बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है और उसके कारण इसका मार्च क्वार्टर अगर अच्छा आया तो ये शेयर में भी हमें अच्छे खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट देखिए, क्वार्टर नीचे ऊपर होते रहते हैं क्वार्टर रिजल्ट, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो थोड़े बहुत शेयर लेके आप जेपी पावर के भूल सकते हैं, जो कि लगातार डेट कम कर रही है और मेनली अभी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर 6 रुपीज़ के आसपास मिल जाए तो और भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए, ये कंपनी जो है जेपी पावर, ये कुछ महीनों पहले तक 3-4 रुपीज़ में मिलती थी, दिसंबर क्वार्टर के पहले, वहाँ से इसने जंप लगाकर काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखाई थी, पर मार्केट की गिरावट में फिर से करेक्शन आया है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका नज़रिया, आपका विजन 1 to 2 years का है, तो थोड़े बहुत शेयर आप जेपी पावर्स के लेके भूल सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि जेपी पावर के शेयर आप होल्ड करते हो क्या, क्या क्या प्राइस में लिया है और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो या नहीं है।
और इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।